गैर कानूनी तरीके से 7-11 क्लब को बनाने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। इस 5 सितारा क्लब के लिए नरेंद्र मेहता ने कई किसानों से पारो फटरनी ली थी और एक जांच में यह निष्कर्ष निकला है कि मेहता ने समय कुछ किसानों के हस्ताक्षर फर्जी किए थे। इसलिए क्राइम ब्रांच प्रभाग मुंबई शाखा ने मेहता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। नरेंद्र मेहता ने सीआरजेड में 3.5 एकड़ जमीन में 7-11 नामक एक 5 सितारा क्लब की स्थापना की थी, स्थापना करके अपने पद का दुरुपयोग किया था और उन्होंने अवैध रूप से यह काम किया था, जबकि क्लब 50 मीटर बफर जोन के तहत आ रहा था। नगर पालिका प्रशासन ने निर्माण के लिए भवन की अनुमति और अधिभोग प्रमाण पत्र भी जारी किया था। पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता धीरज परब ने 2019 में मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी और आर्थिक अपराध शाखा ने इस संबंध में एक मामला दायर किया, तो मेहता का यह घोटाला सामने आया है। मीरा भेंदर नगर पालिका क्षेत्र में प्रशासन की परिवहन सेवा के माध्यम से 40% से अधिक डिसेबिलिटी वाले दिव्यांगों को मुफ्त बस सेवा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही 8 मार्च को महिला दिवस पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की अनुमति दी गई है। वर्तमान में परिवहन अनुबंध रद्द होने के कारण यह सेवा अस्थायी रूप से महालक्ष्मी संस्था द्वारा चलाई जा रही है। नगर पालिका की परिवहन सेवा का बजट अगले शुक्रवार को पेश किया जाएगा, इसलिए इस संबंध में परिवहन समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें 40% से अधिक डिसेबिलिटी वाले दिव्यांगों को मुफ्त बस यात्रा का निर्णय लिया गया है। यह कार्य सूचना परिवहन अध्यक्ष दिलीप जैन द्वारा किया गया है। भेंदरपुर क्षेत्र में 7-11 स्कूल के पास के क्षेत्र में सीमेंट सड़क निर्माण का काम चल रहा था। गुरुवार 4 मार्च शाम लगभग 7 बजे सड़क पर मुख्य चौक में पानी डालने के लिए जेसीबी की मदद से एक बड़ा गड्ढा खोदा जा रहा था। उसी वक्त गलती से भूमिगत गैस पाइपलाइन फट गई। गैस पाइपलाइन से गैस लीक होने से क्षेत्र में लोगों के बीच भय सा हो गया। तभी वहां के स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी। आधे घंटे की मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाया गया है।